शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इनका कामकाज राज्य के नागरिकों के हितों में कतई नहीं है। अब तक कोई भी ऐसे मजबूत कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे किसानों से लेकर आम नागरिक बेहद परेशान है, दुखी है। ऐसे में कई बातों से भरा ज्ञापन नागपुर के जिलाधिकारी को शहर के भाजपा के तमाम विधायकों ने पेश किया है। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर जी भवान को हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार कलेक्टर को जिस प्रकार का ज्ञापन दिया गया है, कौन कौन सी बातें उसमें मेंशन की गई थी और आखिर ऐसा क्या हो कि जिसके चलते तमाम विधायक आज पूरे जिलाधिकारी को जिन्होंने ज्ञापन दिया, भवान को साहब ये पता कि जिस तरह से आज जिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया गया प्रमुखता से कौन सी बातें उसके अंदर में मेंशन की गई थी, क्या आपकी प्रमुख मांगे है? देखिए कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से आया हुआ जो पैकेज है वो पैकेज डिसबर्स नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में जो हमारे पेशेंट है, संशयित है, उनकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, सारी अव्यवस्था है, उससे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो मजदूर है, कामगार है, उनको उनके घर सुरक्षित छोड़ना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जो ये हाथ पर लाकर ये हाथ पे काने वाले लोग हैं, हमारे सिलाई मशीन वाले हैं, हमारे बैंड बाजा बजाने वाले, जो भी वर्ग है, नाई है, ये सारे वर्ग जो है इनको कुछ अनुदान मिलना चाहिए, धोबी है, इनको अनुदान मिलना चाहिए, सरकार नहीं कर रही है। सावन बाढ़ का पैसा कल तक नहीं आया था, रेशन अभी भी जिनके पास आधार कार्ड है उनको रेशन देने की योजना थी, वो रेशन नहीं दे रही है। और जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण हो रहा है, ये केवल राज्य सरकार की असफलता है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसमें जिस प्रकार से योजना बनाना चाहिए था उस प्रकार से नहीं बन पा रही है। इसलिए महाराष्ट्र बचाओ ऐसा आंदोलन हमारा चल रहा है, सारे तहसील में आंदोलन हुआ, आज जिलाधिकारी कार्यालय भी आंदोलन हो रहा है। अगर सरकार फिर दोबारा इसमें अगर ध्यान देती नहीं है तो पूरा जन आंदोलन दोबारा करेंगे और रास्ते पर उतरेंगे। बॉनपुर जी, ये बताइए कि जिस तरह से कपास का जो बम्पर उत्पादन जो हुआ है वो क्या केंद्र शुरू हो चुके हैं अभी भी, जहाँ विदर्भ और महाराष्ट्र की बात है? केंद्र नहीं चालू हुए, अभी तक ग्रेडर नहीं आए हैं। जो प्रकार सरकार खरीदी कर जिस प्रकार से कर रही है, दो साल लगेंगे, जो कितना कपास लोगों के पास है, दो साल अगर इस प्रकार से रहा तो। और जो हमारे व्यापारी लूट रहे किसानों को, 5,500 रुपये भाव देना चाहिए, 2,000 रुपये दे रहे तो 3,000 की लूट कर रहे, एक तरफ से लूटे ही लूट चालू है और दूसरी तरफ से किसानों के घर में कपास पड़ा हुआ है और हो सकता है कि आगे चल के किसानों की आत्महत्याएं बढ़ेगी। सर, मेरा आखिरी का सवाल यह है कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से केंद्र जन जागृति कर रही है, उसकी रोकथाम करने के लिए कामकाज कर रही है, क्या अब ये समझिए कि जो विरोधी लोग हैं, जो सत्ता पक्ष है, उसके साथ में आप लोग कामकाज करें, मिलजुल के काम करें कि ना कि इस तरह की कुछ काम करें? देखिए, हमने पूरा सहयोग दिया है, पिछले 3 महीने से सरकारी पार्टी को हम सहयोग कर रहे हैं, हमने कोई आंदोलन नहीं किया, आज भी हम आंदोलन की भावना नहीं है। हमारी एक निवेदन के माध्यम से सरकार को कम से कम ये मालूम होना चाहिए क्या अड़चने हैं, इस माध्यम से हम लोग यहाँ आए हुए हैं, मुझे लगता है सरकार ध्यान देना चाहिए। तो आप थे पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर भवान को जिन्होंने बखूबी और बेबाके के साथ बात करते हुए कहा कि सरकार की जो खामियां उसको गिनाया है, खासतौर पर जो उन्होंने ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया, आप देखना ये होगा कि दिए गए जो ज्ञापन है उनमें कितनी मांगे उनकी पूरी होती है। लेकिन एक बात तो है कि कोरोना वायरस को लेकर ये समय जो है आपस में भिड़ने का नहीं बल्कि एक दूसरे को समझ के मिलजुल के काम करने का है, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जो हर किसी को दस्तक दे रहा है, मौत की नींद सुला रहा है, हम सब उसकी रोकथाम जन जागृति करना चाहते हैं तो सब मिल के काम करना होगा, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदू है वतन के हिंदुस्तान हमारा। जिलाधिकारी कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इन बीसी न्यूज़, नागपुर।